2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी ना बजा हो, लेकिन इस राजनीतिक युद्ध में अब एक साल भी नहीं है, लिहाजा मैदान सजाए जाने लगे हैं, मोहरे बिछाई जा रही है और षड्यंत्र के लिए जमीन तैयार की जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव के मैदान में जो प्यादा उतरा जाए वो सामने वाले को चारों खाने चित कर सके। और शायद यही वजह है कि सभी पार्टियों ने खुद के प्यादे को ढेर होने से बचाने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 2019 में मिली करारी हार से सीख लेते हुए कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस दो सीटों को लेकर काफी असमंजस में थी, एक तो रायबरेली और दूसरी अमेठी लोकसभा सीट, क्योंकि ये दोनों सीट वो है जो कांग्रेस की साख समझी जाती है, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को यहाँ करारी हार मिली थी। आपको बता दें अमेठी से जहां राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं रायबरेली से फिलहाल सोनिया गांधी सांसद है। अब सवाल ही उठ रहा है कि अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। इसके अलावा रायबरेली से क्या सोनिया गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी या फिर उनकी जगह बेटी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में होंगी। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार बनती है तो क्या वो जीत पाएंगे, इसे लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे में सामने आया है कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होती है तो उनकी ही जीत होगी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि प्रियंका की ये जीत आसान होने की संभावना नहीं है, बल्कि अच्छी खासी टक्कर हो सकती है। सी वोटर के मुताबिक जहां 49% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो वही 42% का जवाब नहीं था। वही 9% लोगों ने बताया कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। आपको जानकारी हो कि अमेठी की तरह रायबरेली भी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल, खुद सोनिया गांधी चुनाव जीत चुकी है। वर्तमान समय में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से ही सांसद है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2004, 2009, 2014, 2019 में रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव जीता। वही 1952 में फिरोज गांधी यहाँ से चुने गए थे, जबकि 1967 और 71 में इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से जीत मिली थी। 1980 में फिर इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बीच आपको बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि प्रियंका गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनको हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।